मध्य प्रदेश में यूं तो पुलिस के कई कारनामे हैं जो हमेशा ही हमें और आपको सुनने मिलते रहते हैं, लेकिन अब पुलिस का रौब और पुलिस का खौफ किस कदर लोगों में शुमार हो गया है यह तो कहना ही बेहद मुश्किल है। पुलिस का रौब अब इतना सिर चढ़कर बोल रहा है कि जैसे पुलिस को कुछ गलतियां और दादागिरी करने का परमिट जारी हो गया हो। यह तो हम नहीं कह रहे, बल्कि यह तस्वीरें बता रही हैं जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोपालगंज थाने से चंद कदमों की दूरी से सामने आई है। यहाँ बीच सड़क पर एक कार चालक कार लगाकर रफू चक्कर हो गया, जिससे यहाँ घंटों सड़क पर लंबा जाम लग गया। फर्स्ट किराए शोरूम, यहाँ आए और पाए ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। अब यहाँ लंबा जाम लगा तो इसका कारण यही सामने आया कि यहाँ पर एक कार चालक बीच सड़क पर कार खड़ी कर वहाँ से फरार हो गया। अब वो कार किसकी है यह तो कार पर ही लिखा है। यह कार किसी पुलिस साहब की है, जिस पर आगे भी पुलिस लिखा है और पीछे भी पुलिस लिखा है। भाई गजब है, जब पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही इस तरह की हरकतें करने लगेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे। खैर, यहाँ पर कई देर तक लंबा जाम लगा रहा, बावजूद इसके यहाँ पर गोपालगंज पुलिस और ट्रैफिक का कोई जवान देखने को नहीं मिला। साथ ही यहाँ पर जाम में फंसे लोग कार चालक को ढूंढते रहे ताकि यहाँ का जाम दुरुस्त हो सके। फिलहाल आम लोगों की सूझबूझ से यहाँ तो जाम दुरुस्त हो गया, लेकिन जब पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर क्या ही कहने। सागर से वसीम कुरैशी के साथ आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।